फ्रेंड्स, मैं आज कलाकंद बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 लीटर दूध का पनीर निकाला है और ये मैंने घर का ही दूध से पनीर निकाला है, गाय का दूध था। और इसे मैं फॉग की मदद से फेट लूंगी, हाथ की मदद से ना फेटे, क्योंकि हमें यहाँ पे पनीर दानेदार चाहिए, चिकना नहीं चाहिए। तो चाहे तो फॉग से आप फेट ले, नहीं तो पोटैटो मैसर आता है उससे फेट ले। मैं यहाँ पे 1/2 लीटर दूध ली हूँ, जो कि मलाई और दूध दोनों है। घर में मलाई था तो मैंने मलाई भी ले लिया है और 1/2 लीटर दूध लिया है। और मैं यहाँ 1 लीटर दूध का 250 ग्राम दूध करूँगी सीधे हाफ। इसे खौला करके हाफ कर ले, दूध को चलाते चलाते और चलाते ही रहे, क्योंकि दूध आपका ऊपर तक आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे कर लिया है हाफ, और जब हाफ दूध हो जाए तो इसमें चीनी डालें। और मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है, पर हाफ हाफ करके ही चीनी मैं दूंगी यहाँ पे। और आप भी हाफ हाफ करके ही दें, क्योंकि चीनी जब तक पिघलेगा नहीं तब तक और चीनी ना फेटे, क्योंकि एक साथ चीनी फेटने से वो बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा हो जाएगा और सुखाने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा और चीनी दी और थोड़ा सा बचा ली। अपने स्वाद के अनुसार चीनी इसमें दें, और दोनों चीनी गल जाए तो आप इसमें जो फेटा हुआ पनीर था वो इसमें डाल दें। पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यहाँ पे चलाते ही रहेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। आपको चलाते 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट आपका लगेगा और ये आपको बर्फी बन जाएगा। तो देखिए अब चला रहे हैं, देखिए दानेदार यहाँ पे हो गया है। और 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बर्फी हमारा कितना दानेदार हुआ है। और ये बर्फी आप बनाएं, ये रक्षाबंधन के अवसर पे मैं आपके लिए लाई हूँ, और ये बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा ठंडा ना करें, आप फ्लेम बंद करके आप 1 मिनट तक ठंडा करें उसमें। उसके बाद आप बर्फी जमाने के लिए आप एक ट्रे लें, उसमें आप जिस आकार का बर्फी जमाना चाहते हैं उस तरह के प्लेट में आप डालें। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में बर्फी काटूंगी, तो मैंने यहाँ पे सेब दे दिया है। और यहाँ पे आप ऊपर से ड्राई फ्रूट सजाने के लिए आप पिस्ता ले सकते हैं, बड़ा वाला बादाम ले सकते हैं। और इसी समय आप दे दीजिएगा इस पे सजाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बादाम लिया है बड़ा वाला, और वो मैं थोड़ी से फूड कलर दे करके इसे रंग ली। मैं यहाँ पे जुगाड़ लगाई हूँ, और आप इसमें पिस्ता दे सकते हैं, मुझे यही पसंद पड़ा कलरफुल तो मैंने दे दिया। और अब इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब इसे कट कर लेंगे, और हमारा कलाकंद अब रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो आपको मेरा कलाकंद पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और ये कलाकंद आप लोग की फरमाइश पे ही हम लाए हैं, तो आप बताइएगा कि ये कलाकंद आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स।